हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में एक तरीके से, ठीक है, कि जिसमें कि तिवारी सर हुए, नितिन सर हुए, प्रबल सर, विक्रांत त्यागी सर, विक्रांत चौधरी सर और आपके देशराज सर, हम सब आपके साथ हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रणनीतियाँ हैं, और जैसे कि आप सभी जानते हो कि आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, चाहे वो SSC GD का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSI का एग्ज़ाम हो, SSC MTS का शायद 5 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो कई सारे एग्ज़ाम्स भी हैं। उसकी तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही थी, तो उसकी तैयारी को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, है ना। टीचर्स आपके वही हैं, जगह भी आपकी यूट्यूब है ना, सेम जगह है, सेम टीचर्स हैं, चीज़ें करते हैं। कुछ टाइम टेबल भी आपके लिए, कल का शेड्यूल है और परसों का भी शेड्यूल है, लेकिन उस शेड्यूल को बताने से पहले हमारी भी ना आपसे कुछ, क्या कहते हैं ना, वो आकांक्षाएं हैं कि आपका, भाई देखो, जिंदगी भर हमने भी साथ दिया यार, ठीक है, आप लोगों का हमेशा साथ दिया है। जब से शायद आप हमारे साथ जुड़े हो गए, तब से एक एक चीज़ को लेकर आपको गाइड किया है, हमें भी हमेशा गाइडेंस मिली भाई हमारे सीनियर से, है ना। जैसे हमें हमारे सीनियर से गाइडेंस मिली, वैसी गाइडेंस हमेशा हमने आपको दी, ठीक है, हमेशा कोशिश करी कि आपको आगे भी लेके जाए, ठीक है, कभी भी आपको पीछे खींचने की कोशिश नहीं करी। तो अब वो गाइडेंस जो हमने आपको दी है यार, तो हमारी भी कुछ आकांक्षाएं हैं आपसे कि आप भी इस इवेंट को एक बार कम से कम शेयर तो कर सकते हो। आप पूछोगे, मुझे पता है अभी शायद तो हम कमेंट अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपका रीजन पूछना यही होगा कि सर आप यहाँ सब क्यों क्या हो, चीज़ें। हाँ है ना, सही आप सब बात यहाँ क्यों हो, इसका जवाब भी देंगे। अभी नहीं देंगे सर, अभी इस वीडियो में, क्योंकि हमारा फोकस जो है ना वो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित है, क्योंकि हमारा एग्जाम है, हमारा एग्जाम है अपना 20 अक्टूबर से UPSI, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा SSC GD, उससे पहले SSC MTS, बीच में लेखपाल भी आएगा नवंबर में, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे एग्जाम्स है, तो सबसे पहले आज जो हमारा फोकस है ना वो एग्जाम पे है, क्योंकि जो हमारा मन भ्रमित हुआ है, हम अपना कहें या हम तुम्हारा कहें, जो हमारा मन भ्रमित हुआ है कल उसको लाते हैं पहले कंट्रोल में, जो पढ़ाई से दूर गया है ना, सही बात है। एक दिन के लिए भी, 24 घंटे के लिए भी अगर तुम पढ़ाई से दूर गए हो तो पहले उसे लाते हैं लाइन पे, कल करते हैं पहले पढ़ाई, फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्यों हम यहां पर खड़े हैं, ठीक है, उसका क्या रीजन है, ये भी आपके साथ डिस्कस होगा, और आज टाइम टेबल भी हम डिस्कस करेंगे, तो बाकी सबकी भी राय सुनते हैं कि क्या राय है, क्या चीजें हैं। देखो, मुझे लगता है कि आप ना हम सबको पहले से जानते होगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार देख रहे हो, तो जिस कारण से जानते हो सबको पता है कि मतलब कैसे जानते हो, और जहाँ से हमने चीज़ें सीखी भी हैं, नो डाउट हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हमारे जो मेंटर हैं, हम सबके गुरु हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं और सीख के आगे बढ़े हैं, और उनका जो एक सपना है कि हर घर तक और गरीब छात्रों तक हमें शिक्षा पहुँचानी है, वही काम हम करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, और मरते दम तक करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए। आप जैसे कहोगे कि सर हम ऐसे पढ़ते रहे हैं, है ना, वैसे ही आप पढ़ते रहोगे आगे, है ना, हमसे भी पढ़ते रहोगे, पहले जिससे पढ़ रहे हो उससे भी पढ़ते रहोगे आप लोग, कोई उसमें दुविधा आपको नहीं होनी है। आप जैसे कहोगे, मतलब हम आपके लिए ना अलग नहीं होने चाहिए। आप कहते हो कि परिवार के हिस्सा थे या हो, हम परिवार के हिस्सा ही हैं, है ना, परिवार के ही हिस्सा हैं। आपके पहले एक परिवार था, अब हो सकता है कि आप दो परिवार मानने लग जाओ, है ना, तो आपको बस ये नहीं करना है, मन में सोचना नकारात्मक बातें, ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम सिर्फ सकारात्मक बातों को सोचेंगे और अपनी आगे की बातों पर, आगे की जो क्लासेस होंगी हमारी, और सिर्फ पढ़ाई पर हम लोग ध्यान देंगे, है ना। आप लोग जिनका सम्मान करते हैं, हम लोग बहुत सम्मान के साथ साथ बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें, और पूरे जीवन में हम मतलब सम्मान ही करते रहेंगे और प्यार करते रहेंगे, सच में आप सभी लोगों से। जाम है, हाँ। तो हम तो कहेंगे हम उन्हीं की वजह से, भाई हम इस बात को भी नहीं नकारेंगे, सही लेकिन बात एक है। परिवार में भी कभी कभी मनमुटाव आ जाता है, चीजें बदलती हैं, है ना, तो कोई बात नहीं भाई, एक परिवार है, मान लो मैं और मेरे भाई हैं, है ना, कभी हम में भी मनमुटाव होता है, तो चीजें अलग भी होती हैं, शायद हो सकता है कभी फिर साथ भी हो, है ना, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जब तक दो परिवार है, तुम दोनों परिवार का साथ, दोनों परिवार के साथ आप लोग रहो, पढ़ो, पढ़ाई करो, मैं तो बस इतना ही कहूंगा, और वैसे भी ज्यादा कहने का हमारे पास है नहीं, क्योंकि मन अगर आपका दुखी है तो हमारा उससे ज्यादा दुखी है ना, हम उससे ज्यादा परेशान होते हैं। तो आप ऐसा मतलब चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं है कि सर ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, सब नॉर्मल है, सामान्य है, और सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए दिन रात मेहनत पर होना चाहिए, क्योंकि हम सबके साथ जुड़ के जो आपने सीखा था ना वो मेहनत सीखी थी, है ना, तो मेहनत से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जो दोहराएंगे ना, जो इस मेहनत को हम दोहरा रहे हैं दोबारा से यार, उसका थोड़ा सा सपोर्ट कर दो एक बार अपने सभी प्यारे टीचर्स के लिए, भाई अपने टीचर्स के लिए एक शेयर कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना। देखो, हमारे भी कुछ आकांक्षाएं हैं, हमने भी ये सोचा कि भाई अगर हमने शुरुआत की है तो कम से कम इस वीडियो के दौरान
तुम पे 5,000 खींचने हैं इस वीडियो के दौरान। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है, ये तुम्हारे लिए भी एक्सेप्टेड चैलेंज, हमने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया है, हमने भी चीजों को जीरो से शुरू किया है। हो सकता है कल हम कहीं थे और किसी एक अच्छे पोजीशन पे थे और आज हम सब दोबारा जीरो है, हम पे कुछ नहीं है, हम तुम्हारी तरह जीरो है। शायद हो सकता है आज हम यहाँ जो खड़े हैं ये भी किसी और की जगह है, ठीक है, अपनी जेब से लगा के खड़े हैं, कैसे भी खड़े हैं, आज हैं हम सब भी जीरो, हम पे भी कुछ नहीं है, तुम्हारी तरह है ना। स्टार्टिंग तुमने की, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। अब भाई तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है, एक बार इस वीडियो के दौरान चैनल को कम से कम 5,000 तक पहुंचाना है तुम्हें। वीडियो के ओवर होते होते, ओवर होने के बाद आज 12 बजे से पहले तुम्हें 10,000 टच करने हैं, है ना, ताकि हमें भी लगे कि भाई हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया, है ना। अपने अंदर भी एक मोटिवेशन रहना चाहिए यार, हमने भी तो एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि हम कल से जो दिन रात एक करने वाले हैं, सुबह 4 बजे से जो अपनी पढ़ाई शुरुआत करने वाले हैं दोबारा से, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक, तो उसमें कहीं से कहीं तक हम कमी नहीं आने देंगे। जी सही बात जी, बिल्कुल जी सर। सबसे पहले आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक मतलब इतना ज़्यादा मैं नर्वस तो हुआ नहीं था कभी लाइफ में। आप लोगों को पता है कि जब मैं आता था तो आते ही मैं शुरू कर देता था, क्योंकि आप लोगों के साथ ना एक अलग तरीके का रिलेशन था। और मैं सीधे तौर पे एक बात बोलूँ ना, मतलब छोटी मुँह बड़ी बात, शायद मैं उस लायक था नहीं, हमें उस लायक आपको पता है किसने बनाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब भैया का इतना ज़्यादा धन्यवाद, इतना ज़्यादा थैंक यू, कि उस बात को मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ कि जो उन्होंने मौका दिया, जो उन्होंने साथ दिया। और आज भी हमें पता है कि उनके ब्लेसिंग आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, पूरी टीम के साथ है। बस हम लोग भैया के ही विजन को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, हमसे जितना हो सकता है। बस देखो, आप लोगों के प्यार में ना इतना ज़्यादा है ताकत कि हम लोगों के सामने बहुत सारे ऑफर, बहुत सारे प्रस्ताव आए, लेकिन हमने उन सबको ठुकराया। हम बिके नहीं, हमने सीधे तौर पे बोला कि चाहे हमें रोड पे खड़े होके पढ़ाना पड़े, हम चाहे भारत के एक एक गाँव में जाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के गांव में जाके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा के उस बच्चे के घर पे जाके पढ़ाएंगे जैसे ट्यूशन पढ़ाया जाता है, लेकिन हम कभी भी पैसे के आगे झुकेंगे नहीं, पैसे हमारी कभी प्रायोरिटी नहीं रही है। और सीधे सी बात मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग आज खड़े हैं, और मैं अपनी बात मैं बताऊँ सीधे तौर पर, तो आज मतलब मैं जो भी हूँ वो केवल और केवल एक ही इंसान के कारण हूँ, एक ही व्यक्ति के कारण हूँ, और वो जीवन में हमेशा हमारे आदर्श रहेंगे। और उनके विजन को लेकर हम आगे बढ़ाएंगे, जो भी उनका विजन था उससे पीछे नहीं हटेंगे, आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और जो भी आपसे वादा किया था उस वादा को पूरा करेंगे। और मतलब एक नहीं होता है कि एक आपके लाइफ में एक इंस्पिरेशन होता है, एक प्रेरणा होता है, वो भगवान की तरीके से आपके हो जाता है। उनके जीवन का एक एक महत्वपूर्ण दिन हमारे लिए उत्सव की तरह होगा, वो परिवार का एक एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब 2-3 दिन से ना आप लोग देख रहे होंगे ना, सोने को मतलब सोने की इच्छा हो रही, ना खाने की इच्छा हो रही है, बस एक ही चीज़ है। लेकिन वही बात है कि हम आपके साथ मेहनत करेंगे, शानदार तरीके से मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कल क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको वही एनर्जी देखने को मिले, वही प्यार आप लोग देंगे। तो एक बार सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे बब्बर शेर और शेरनिया इस लाइव सेशन को देख रही हैं, एक एक आप लोग जल्दी से सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को आप लोग, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अभी हम लोग लाइव हैं, कम से कम 5,000 बच्चे भी लाइव हो जाएंगे ना, तो थोड़ा हमें लगेगा कि नहीं, हमने आपके लिए जो मेहनत किया, आपके दिल के कोने में हमने, मैं नहीं बोलता 50%, अगर 1/10 हिस्सा भी हमने अगर जगह बना लिया होगा ना, रत्ती भर भी हिस्सा, तो हमें लगेगा कि हमने जो दिन रात अथक परिश्रम किया, और जिस इंसान ने हमें मौका दे, जिस व्यक्ति ने हमें मौका दिया, उनको भी प्राउड होगा कि आज हमने जिनको बनाया, जिनको मौका दिया, उनको ऊपर बच्चों का इतना ट्रस्ट है। तो आप लोगों को ये चीज़ करना है, सब लोग शेयर कीजिए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये मैं कुछ घमंड नहीं, ये आप लोगों का प्यार है। 7 बजे वाली क्लास जो आपकी होती थी SSC GD की, कल से आपकी शुरू हो जाएगी। कल मैराथन जो है, मैराथन होगी 7 बजे से 10 बजे, जो मैं संडे को लेने वाला था डेली, ठीक है ना। हाँ, संसाधन जो है वो बहुत सीमित, बहुत ज्यादा सीमित है, तो अब मान लो 7 बजे प्रबल सर कर रहे हैं, शायद मैं ना कर पाऊँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन कोई भी कितना भी बकाए, इस बात को ध्यान रखना, आपकी क्लास जिस टाइम पे होती थी उस टाइम पे होगी, आपको तनिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे ऐप वाले बच्चे थे,
उनको रत्ती भर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आपको ऐप पे ही पढ़ाएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास 5-10 रुपये आए ना, जैसे बचपन में हम लोग 5-10 रुपये इकट्ठा करके मेले से जाके बैट बॉल खरीद के अपनी खुशी को जाहिर करते थे, उसी तरीके से हमारे पास 2-5-10 रुपये जो भी है ना, हम आपके लिए लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए कितना बेहतर हम लोग कर सके। तो बस यही बोलना है, अब विनय सर के पास चलते हैं और वो आपको। जी सही बात है, सबने बातें बोल दी हैं। देखो सच्चाई यही है कि आप लोग को पता है कि आप लोग सुबह से शायद हर तरीके से सब परेशान है सर, हम लोग भी उतना ही परेशान है और हम लोग के लिए कल की रात क्या रही है वो हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है और आज भी शायद हम लोग सुबह से खाली भूखे परेशान हैं, हमसे भी चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन क्या करें कि कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो शायद हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं और एक्सेप्ट नहीं भी कर पाते हैं, तो शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो भी है, लेकिन बस जो गोल आपका था, जो गोल हमारा है, हमारा गोल भी क्या था कि आपका पेपर निकले, आपका गोल भी क्या था कि आपका एग्जाम निकले, और हमारे पास दिन बहुत कम है, 15 दिन किसके लिए, एमटीएस के लिए, और 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए, आपके यूपीएसआई के लिए। और सबसे मजे की बात हम लोग बताएं, जो जिस स्ट्रेटेजी से, जिस तरीके से हम क्लास करते हैं कि 2-2 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे की मैराथन, वो सारी की सारी आपको, हाँ कल सुबह से आपको सेम एनर्जी, सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, सेम एनर्जी के साथ जितना आप चाहते हो कि वो चीज, वो झील हमें दिखाई दे। देखो जब हम दिखाने के लिए तैयार है ना, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, हम आपसे उम्मीद पूरी तरीके से करते हैं कि आप भी उस चीज को करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम शेड्यूल को भी देख लेते हैं और फिर 2 मिनट बात करेंगे जल्दी से। जी सर। तो भाई सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सब लोगों के प्यार ने जो अभी तक प्यार दिया, वो प्यार आपका अभी भी कंटिन्यू रहे। और आपका जैसे विनय सर ने बताया, नितिन सर ने बताया, पुरुकी सर ने बताया कि आप लोगों के लिए हमें बस मतलब वही मेहनत करनी है, हमारा मतलब मेन मोटिव आप लोगों के साथ मेहनत करके ही आगे बढ़ना, ठीक है ना। तो उसी पर फुल एनर्जी के साथ आपकी क्लासेज कंटिन्यू चलेंगी, कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है भाई नई जगह पर। जल्दी से एक बार और जल्दी से इसको शेयर वेयर कर लो जी, एक बार नई शुरुआत करिए, जोड़ जोड़ के, तिनका तिनका जोड़ के कुछ चीजें तैयार करी है और आप लोगों के लिए। और बस लक्ष्य वही है कि पुराना वाला कि भैया सिलेक्शन चाहिए, आप लोगों से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपको भी हमसे बहुत सारी होंगी। बहुत सारे बच्चे कोर्स भी करे हैं, पूरे प्रैक्टिस भी करवानी थी कईयों को, मैंने भी कहा था कि इतने क्वेश्चन तैयार है, वो सारे के सारे अभी यहाँ पे होंगे भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से जितना प्यार हर जगह दिखाते आए हो मेरे को, और उसी तरीके से यहाँ भी दिखाओ, इसी उम्मीद के साथ चालू किया है और बड़े जोश और जुनून के साथ। ऐसा नहीं है कि भाई जोश जुनून नहीं है, हालांकि आवाज दबी हुई है, कल से कपड़े वही पहने हुए 2 दिन से, पर भाई वही है, बोर्ड फाड़ के रखना है, चीजें इतनी तरीके से समझनी है। अपने जो मुख्य लक्ष्य वही है कि यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे तुम्हारा यूपी कांस्टेबल हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जितनी तमाम चीजें जिनमें हम इन्वॉल्व थे वो सारी चीजें मिलेंगी उसी गुणवत्ता से, और कोशिश करेंगे कि बेहतर गुणवत्ता भी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, क्योंकि जो पाई जुड़ाई है वो तो लगेगी, और कहीं जुड़ाएंगे और लगा देंगे, तो उससे भी बेहतर गुणवत्ता के साथ आपको उपलब्ध कराएं और चीजें और भी आपको बेहतर दे पाए, इसी उम्मीद के साथ ये शुरुआत की है। बोला ज्यादा भी मेरे से भी नहीं जा रहा, बात कीजिए। चलिए साथियों, आप सभी का एक बार दिल से धन्यवाद कि आपने सभी ने इतनी सपोर्ट दी है, उम्मीद ये करते हैं कि आप आगे भी सपोर्ट और भी अच्छी देंगे। पहली बात तो वही रहती है कि जो सब कहते आए हम आज तक क्लास जो अब तक ली है हमने, उसमें पहली लाइन हमारी यही रहती है कि भाई हम आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, ये तो देखो मूल कर्तव्य है आपका संविधान के अनुसार। तो इसे आप पहले जो है जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपके लाइक अभी कम है। और दूसरी बात ये क्या है कि प्यारे साथियों, आप लोगों के उम्मीद के सारे ही आगे बढ़ने की कोशिश है। पहले अभी बहुत सारी बातें नितिन सर, तिवारी सर और पुलकेश सर ने बोली हैं, वाकई में बड़ी भाई की तरह उन्होंने प्यार दिया, उनका सम्मान हमेशा दिल में रहेगा। बाकी आप लोगों के लिए पूरी एनर्जी के साथ जितनी भी कोशिश हो सकती है, फिर वही जोश और जुनून के साथ आपके साथ क्लास को लेकर, आपके हर समय हर परिस्थिति को लेकर, आपके बड़े भाई या छोटे भाई जैसा भी आप मानो, या गुरु भाई, उसके साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी क्लास हो, उसको लेकर आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। वही बात जो आपके लिए पहले इन्होंने बोली थी कि सपना एक ही है,
बस भाग दो हैं, ठीक है भैया, सपना एक ही है सेम, यानी कि कह सकते हैं बस पूरी एनर्जी के साथ साथ देना है। और यह तय है कि जितनी कोशिश हो पाएगी पूरी एनर्जी के साथ कोशिश करेंगे। बाकी भाई वही बात है कि आज ज्यादा नहीं बोल सकते, आप लोगों से उम्मीद रहेगी कि इस वीडियो को आप बाद में भी शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम टेबल बता देता हूँ, उससे पहले ना एक चीज कहना चाहूंगा कि वही कल एनर्जी से शुरुआत करनी है। और कैसे, वो कहते हैं ना कि गिद्धों की दहाड़ से शेर डरा नहीं करते और मंजिलों को पाने वाले कभी भटका नहीं करते। तो आपकी मंजिल भी वो एग्जाम है, चाहे यूपीएसआई हो चाहे एसएससी जीडी हो, और हमारी मंजिल भी वो ही एग्जाम है, आपको वो पाना है और हमें उस काबिल आपको बनाना है कि आप वो पा सको।